और हमारे बीच में है भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं सीजी से हूँ। और क्या सरनेम लिखते हैं आप लोग? नरेंद्र विजय है मेरा नाम। और यहाँ पर आए हम लोग अपने जाति के हमारे आने वाले समय जानकारियाँ लेने के लिए। आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, तो कार्यक्रम प्रारंभ दे रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद हो सकता है तो शाम तक धन्यवाद हमारे बीच में भाई साहब हैं भोपाल से, माने हुए श्री भोपाल से ही हैं सर जी। आप थोड़ा सा आप बताइए वंशु ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बता दें। स्वतंत्र संग्राम सेनानी वंशु ओझा जी का आज ग्राम रूपधोन रैयत में इनका मूर्ति का आवरण किया गया। इस अवसर पर आदिवासी ओझा समाज के कई जिलों से, कई प्रदेशों से यहां पर एकत्रित हुए हैं और वंशु ओझा के इस मूर्ति स्थापना में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें सहयोग सम्मिलित हुए। और इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से भी आए हैं, उसके बाद घोड़ा डोंगरी बैतूल से, घोड़ा डोंगरी से स्वतंत्र संग्राम सेनानी मंशु ओझा के सुपुत्र भी हमारे साथ में आए हैं। और मंशु ओझा जी को जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र दिया था, वो ताम्रपत्र भी मंशु ओझा के सुपुत्र साथ में लेके आए हैं। वो हमने जब मंशु ओझा का मूर्ति लगा रहे थे वहाँ पर रखा गया था। तो इस कार्यक्रम में हम ओझा समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि ओझा समाज प्रदेश के, जिले के या स्टेट के कहीं पे भी हो, आप लोग संगठित होकर समाज को एकता का परिचय देते हुए समाज को संगठित करने का प्रयास करें। जय सेवा, जय जोहार, जय मंशु ओझा। हमारे बीच में भैया आपका आप कहाँ से आए? सर ने बोल दिया नहीं, फिर भी आपका मंशु सही बोला ना, तो मंशु ओझा से जो ठीक है इस वीडियो वही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस बलत गंसौर से मेज जबलपुर मध्य प्रदेश वाले।